G20 सदस्यों में शामिल है। तो G20 देशों में कौन सा शामिल है, तो आपको पता होगा जैसा हमने आपको बताया उसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से आपके 19 देश एवं एक यूरोपीय संघ है। तो G20 देश में यही है, प्लस में एक अगर AU यानी अफ्रीकी यूनियन को अगर जोड़ दें तो 21 हो जाएगा। फिलहाल जो है हम 21 ही याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको टाइम दिया जाएगा, आप इसको सॉल्व करें। G20 सम्मेलन का आयोजन भारत में किस स्थान पर हुआ, यह स्थान का नाम पूछा जा रहा है आपसे, आपको पता है। तो चलिए इसका आंसर है भारत मंडपम नई दिल्ली, जैसा आपको मैंने फोटो के साथ इमेज के साथ दिखाया कैसा बना हुआ है, तो यह भारत मंडपम नई दिल्ली में है इसका जो है उद्घाटन। चलिए आगे प्रश्न भी आएगा, इसका उद्घाटन किसने किया, कब किया, कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में जुड़ने वाला नया सदस्य देश या संघ कौन सा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया आपको क्वेश्चन में भी, लेकिन चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर है सेकेंड, अफ्रीकी संघ, जो कि इस बार भारत की अध्यक्षता में नया देश जुड़ा है जिसमें 55 देश आते हैं। अफ्रीकी संघ में 55 देश आते हैं। नेक्स्ट है, 18वीं G20 शिखर सम्मेलन का लोगो क्या है, आपको बताया गया है, आप इसको आंसर दें। चलिए इसका हमने लोगो की बात करते हैं, तो इसका जो लोगो है वो खिलता हुआ कमल, जो कि 4 नंबर आंसर है, ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कौन सा है। सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर की बात की जा रही है, आप देखें नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, भारत मंडपम, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, तो इसका सही आंसर है भारत मंडपम नई दिल्ली, जो कि प्रगति मैदान दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित 28 फीट ऊंची इसकी प्रतिमा स्थापित की गई है। ये जो प्रतिमा हमने बताई थी आपको वो 28 फीट ऊंची है, ये आपको इसमें पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। और यह प्रतिमा किसकी है, आपने अगर सेशन सुना होगा तो आपको पता होगा, खिलता हुआ कमाल, महात्मा गांधी की मूर्ति, चरखा, नटराज की मूर्ति, तो इसका आंसर है नटराज की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं G20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष की बात हमने किया है, अमिताभ कांत जी, योगी आदित्यनाथ, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी। जैसे कि आपको पता है नरेंद्र मोदी जो देश के प्रमुख होते हैं वो अध्यक्षता के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। और अमिताभ कांत जी जैसे कि आपको पता है यह शेरपा ट्राइब के प्रतिनिधि थे, जो कि एक IAS ऑफिसर, आपको हमने बता दिया है इसके बारे में सेशन में, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 19वीं G20 शिखर सम्मेलन का अगुवाई देश कौन होगा, मतलब आप ये बता सकते हैं इसके कि अगला जो देश है जो 19वीं G20 शिखर सम्मेलन होगा, या इसको बोल सकते हैं कि G21 देश शिखर सम्मेलन। इसमें G21 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब देश की संख्या 21 हो गई है, तो अगर हो सकता है विचाराधीन है आगे G21 भी होगा, तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि अगला देश कौन होगा, तो इसका हमें आंसर है ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर, भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कब किया गया। देखिए जो मैं क्वेश्चन आपको आंसर देने वाला था शुरू में ही, पर इसके बाद ऐसा नहीं दिया था क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए था। भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन श्री PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 जुलाई 2023 को किया गया है, तो इसी वर्ष जो आपने फोटो में देखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत G20 का सदस्य देश कब बना। G20 जो बना उसके बारे में आपको बताया मैंने कैसे बना, अब इसमें जो है G7 जो थोड़ा सा आप ऑप्शन में देख लें इसका आंसर क्या है आप बताएं, बाकी मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि G7 देश में आपको हमने 7 देश बताए थे, और G7 के बाद 1997 में, यानी डेट है 1997 में, इसमें जो है रसिया जब मिल गए तो इसमें टोटल 8 देश हो गए, यानी G8 में हो गए थे, फिर बाद में निकल गया तो G7 ही लास्ट में हो गया, फिर इसमें 12 देश भाग लिए और यह 12 और फिर रसिया द्वारा वापस आ गए, तो टोटल जो है 13 देश ने भाग लिया और यह बन गया 1999 में, जिसका नाम है G20 बन गया, और 1999 में ही सारे देश ने भाग लिया है, तो भारत भी उसी टाइम में भाग लिया था, और आप बता सकते हैं कि जो भारत भाग लिया था वो 1999 में सदस्य देश बना था, मगर अध्यक्षता के रूप में पहली बार 2023 में अध्यक्षता के रूप में उन्होंने कार्य किया, भारत में सबसे पहला के रूप में अध्यक्षता के रूप में कार्य किया देश ने। तो थैंक यू वेरी मच, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट हम चंद्रयान 3 और बाकी चंद्रयान जितने चंद्रमा पे किए गए मिशन के बारे में हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, और बाकी जो हमने पहले वीडियो डाल रखा है उसे भी आप देखें, इसमें इतिहास के महामैराथन आपको दिखेंगे जिसमें इतिहास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर हमने क्लियर किया, टॉपिक क्लियर किया है। धन्यवाद हमारा सेशन देखने के लिए। पूरा सेशन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल के प्ले स्टोर में जाकर G20 सबमिट का पूरा वीडियो देखें फुल ट्यूटोरियल के साथ।